बजे क्लास है, एडवांस क्लास या एक्स्ट्रा क्लास जो मर्जी बोलो, एडवांस क्लास ही होगी वैसे। 9 बजे जिसने आना है आ सकता है कल 9 o'clock। ठीक, प्रॉपर्टीज और मैटर के असाइनमेंट्स होंगी, मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा आपको। जो लोग आना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया बस बाहर से उठा लें, जो लोग आना चाहते हैं वो। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है रादर। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली इसमें क्या है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने लास्ट टाइम शायद शुरू भी कर लिया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर अगर ऊपर ऊपर से करने आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि अगर सपोज ये एक कंटेनर है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने स्टडी किया था कि सपोज ये एक कैपिलरी है, और याद रखना नेचुरली जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका जो रेडियस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, कैपिलरी ट्यूब बड़े बड़े सिलेंडर नहीं होते, कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी सी पाइप है, दैट्स इट। ठीक, तो कैपिलरी ट्यूब में बेसिकली क्या है कि दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब जो आपने लेट से किसी भी वाटर में या किसी भी कंटेनर में आपने इसको डाल दिया कुछ ऐसे, तो क्या होगा कि जो आपका लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिक्विड है। तो जैसे जो वाटर होता है उसका मेनिस्कस क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, तो देयर इज राइज इन लेवल ऑफ वाटर, पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1। अब ये क्यों ऊपर चढ़ा, इसके पीछे बहुत थ्योरी है जिसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए कि जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है अगर उसको स्टडी किया जाए, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि अगर सपोज ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये आपका वाटर का मेनिस्कस है सपोज, और क्योंकि ये वाटर है इसका मेनिस्कस कंकेव टाइप है, अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट लीक इस सॉलिड ट्यूब के साथ जो एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और पर्टिकुलरली फॉर वॉटर ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है दिस इज लेस देन 90। ठीक हो गया था। उसी तरीके से अगर ये मरकरी है, तो मरकरी के अंदर आपका जो लेवल है वो कुछ ऐसे है, ये मरकरी का मेनिस्कस है, कन्वेक्स टाइप है, अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट मेरे सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज ग्रेटर देन 90। तो मरकरी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 90 और वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90। यहां तक क्लियर है? बट एक्चुअल में क्या स्टोरी है वाटर ऑफ जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की, इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो कि शायद आपकी बुक्स में नहीं लिखी होंगी क्योंकि मैंने ये कहीं और से ही देखा है सारा जो मटीरियल है। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बनते हैं, मेनिस्कस क्यों बनते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेनिस्कस बनते हैं, पॉइंट नंबर 1। और
सरफेस टेंशन की वजह से मेनिस्कस बनते हैं, पॉइंट नंबर टू. कैसे बनते हैं इसको एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं इन डिटेल. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू समथिंग जिसको आप बोलते हो कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. और ऐसी जो हमने स्टडी किया था एडहेजन, एडहेजन का मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस, यहां तक हमने स्टडी किया. अब इसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या लेना देना है इसको देखो कि सपोज ये आपका एक कंटेनर है, ठीक, दिस इज योर कंटेनर, और सपोज ये आपका कोई लिक्विड है. अभी हम मेनिस्कस की बात नहीं कर रहे कि मेनिस्कस कंकेव है, कन्वेक्स है, फ्लैट है, बस कोई भी लिक्विड है. मेनिस्कस में बनाऊंगा अभी, दो मिनट रुको, अभी तक बस ये पानी है या कोई भी लिक्विड है. तो हुआ क्या कि कुछ पानी के पार्टिकल्स होंगे कोहेसिव और कुछ पार्टिकल्स होंगे इस जो भी कंटेनर है, कंटेनर और जो फोर्स होगी, अगर मैं एडहेसिव की बात करता हूं मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करता हूं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब कंटेनर और पानी के बीच में फोर्स, और कोहेसिव का मतलब पानी और पानी के बीच में फोर्स, ठीक हो गया ना. तो अगर मैं पानी और पानी के बीच में फोर्स की बात करता हूं तो पानी और पानी कैसे फोर्स लगाएगा, जैसे यहां फोर्स लगाएगा, 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 यहां फोर्स लगाएगा. पानी की फोर्सेस कुछ इस तरीके से होंगे, हर तरफ पानी पानी है, हर तरफ ये वेक्टर बनने शुरू हो जाएंगे. और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपकी एडहेसिव फोर्स की, इस कंटेनर की वजह से जो फोर्स है, तो कंटेनर इस तरफ फोर्स लगा सकता है, 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 एंड सो ऑन. मतलब बेसिकली कंटेनर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल के ऊपर कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं. तो अब इन सब का अगर मैं रिजल्टेंट देखो, इतने सारे वेक्टर तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि जो आपकी आपका जो रिजल्टेंट है, ये प्लीज नोट करते जाना जितना भी, आपकी किताब में कुछ नहीं ऐसा, आपको नोट ही करना पड़ेगा. मैं अलग स्टाइल से इसको करवा रहा हूं और फिर मैं अपनी बुकलेट के ऊपर आऊंगा, ठीक. तो मैं बता रहा हूं ये बुक्स में भी नहीं है, ये कुछ मैंने कहीं और से देखा हुआ है. तो लेट से जो आपकी कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है, मान लो ये आपका कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट आ गया, ग्रीन कलर का जो रिजल्टेंट है, दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ठीक हो गया यहां तक. उसी तरीके से मान लो दिस इज नेट रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, एडहेसिव फोर्स. तो एक होगी कोहेसिव फोर्स, एक होगी एडहेसिव फोर्स, ठीक. मतलब नॉर्मली हम अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक पानी का पार्टिकल ले लो, उस पर एक फोर्स ले लो कोहेसिव, एक फोर्स ले लो एडहेसिव. पर क्योंकि एक पानी के पार्टिकल को एक पानी का पार्टिकल नहीं खींचेगा ना, एन नंबर ऑफ पानी के पार्टिकल खींचेंगे, तो आपको रिजल्टेंट के साथ ही काम करना चाहिए एक्चुअल में. तो एक कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है और एक एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है. आगे अब अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, ये जो कोहेसिव फोर्स है इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, इसको मैं कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं. एक आपके पास कॉम्पोनेंट होगा कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, और एक आपके पास कॉम्पोनेंट होगा कोहेसिव का वर्टिकल कॉम्पोनेंट. ठीक है यहां तक. तो एक कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड एक कॉम्पोनेंट है वर्टिकल कॉम्पोनेंट. अब कौन डिसाइड करेगा कि शेप ऑफ लिक्विड कैसी होगी, कंकेव होगी, कन्वेक्स होगी, कैसे होगी, ये डिसाइड करेगा कौन, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड फोर्स ड्यू टू एडहेसिव फोर्स. इनका जो रिजल्टेंट होगा या इनकी इनके बीच में किसकी फोर्स बड़ी होगी, किसकी फोर्स छोटी होगी, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो मेनिस्कस होगा वो कैसे बनेगा. मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको दो केस लेके दिखाता हूं मैं. पहला केस जिसमें कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, देखो वर्टिकल कॉम्पोनेंट कुछ नहीं कर रहा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो अलोंग किसके साथ जा रहा है, आपकी बीकर के साथ जा रहा है. अब अगर वो बीकर के साथ जा रहा है इसका मतलब पानी बीकर के साथ चिपका रहेगा, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना. कंटेनर नीचे जाके पानी की एक लेयर है, कंटेनर एक लेयर, बीच में हवा है, क्यों जी, सरफेस टेंशन है. ऐसा कभी हुआ, ऐसा थोड़ा ना होता है.
पानी चिपका रहता है नीचे से, जो वेरिएशन है ऊपर होती है, वेरिएशन नीचे नहीं होती, हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन नीचे नहीं है, ठीक है ना। वो नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, बिल्कुल बीकर के साथ साथ जा रहा है, यानी कि पानी वहां पर एकदम चिपका हुआ है और ये जो कॉम्पोनेंट है ये पानी को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेके जा रहा है, तो यहाँ वाटर ही वाटर होगा। तो इसकी हम बात नहीं करने वाले, हम बात टॉप मोस्ट सर्फेस की करने वाले हैं कि टॉप मोस्ट सर्फेस के ऊपर एक्चुअल में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। मैं आपको केस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो केस नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू केस नंबर वन, व्हेन फोर्स कोहेसिव हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू एडहेसिव। मान लो एक मिनट के लिए कि अगर मैं दो केस कह रहा हूं ना कि कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट डिसाइड करेगा कि शेप कैसी बनेगी, और मैं पहला कॉम्पोनेंट क्या ले रहा हूं, फोर्स कोहेसिव ग्रेटर देन फोर्स एडहेसिव, तो उस केस में अगर ये मेरा कंटेनर है, उस केस में अगर ये मेरा कंटेनर है तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो वर्टिकल ऐसे चिपका हुआ है, एफ ऑफ सी वी कोहेसिव का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, और मैं ये क्या मान रहा हूं कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है उसकी फोर्स ज्यादा है, तो ये F ऑफ C क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और क्योंकि इसकी फोर्स किससे ज्यादा है, F ऑफ एडहेसिव से ज्यादा है, तो मेरा मेनिस्कस कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात, मेनिस्कस की शेप चेंज हो गई ना, इसने चेंज की, टॉप मोस्ट सर्फेस के ऊपर जो फोर्सेज हैं उन्होंने चेंज की, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो ज्यादा वैल्यू रखेगा एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स, यानी कि ये सारी गेम सिर्फ इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की चल रही है, और नीचे जाके कोई चेंज नहीं, नीचे जाके सब कुछ सीधा चल रहा है, यानी कि पानी बीकर के साथ चिपक जाएगा, लेकिन ऊपर जाके ये हट जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन दिस फोर्स ड्यू टू एडहेसिव। ठीक हो गया, मेनिस्कस चेंज हो गया यहां से, और अगर ये मेनिस्कस चेंज हो गया तो उस केस में अगर मैं ये बोलूं कि एक जो मेरा रिजल्टेंट है एफ सी, एफ सी का मतलब रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो मेरा ये रिजल्टेंट एफ सी जिसको मैंने दो कॉम्पोनेंट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, तो एक एक्चुअल में तो ये फोर्स थी, एक एक्चुअल में ये फोर्स है, और अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं बाय पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां आएगी, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी, ये रिजल्टेंट है। ठीक, बताऊंगा रिजल्टेंट का क्या यूज है, पर अभी इस चीज को समझ लो, तो दो चीजें ध्यान से देख लेना, एक रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये शायद बोलो मैंने यहां से बना दिया, रिजल्टेंट दो पॉइंट्स के बीच में होगा, जो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक वेक्टर ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये वेक्टर है, तो कुछ इस तरीके रिजल्टेंट आ जाएगा, जो भी होगा जहां मर्जी ले लेना कोई बात नहीं। ठीक, जो मेन देखने वाली चीज है वो इसकी डायरेक्शन देख लेना, एफ सी की डायरेक्शन कैसे है, इस तरफ है, बाद में यूज करूंगा, दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, बस ये केस समझ आ गया। मैं एक और चीज इसमें समझाना चाहता हूँ, क्या कि चलो रिजल्टेंट तो इतना जरूरी नहीं भी रहेगा, इसको मैं शायद यूज भी नहीं करूंगा कभी, बट एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं सपोज क्या करूं, मैं इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं, कलर दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट दिख रहा है, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूं, तो अगर मैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया सॉलिड सरफेस के साथ, ये एंगल बनाया, तो ये टेंजेंट सॉलिड के साथ कितना एंगल बना रहा है, और इस केस में कितना एंगल बना रहा है, ग्रेटर देन 90, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। जो लिक्विड का जो सरफेस है, गोल सरफेस है, टेंजेंट ने सॉलिड के साथ एंगल बनाया, वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। आप लोग मुझसे शायद ये पूछेंगे कि सर एंगल ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, एंगल नीचे वाला क्यों ले लिया, ऊपर क्या चल रही है, हवा, क्या हवा का एंगल कॉन्टेक्ट निकालना है, नहीं, हमने किसका निकालना है, पानी, तो कम से कम पानी में तो ड्रॉ करोगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, तो बड़ा एंगल होगा ग्रेटर देन 90। मेनिस्कस का रीजन समझ आ रहा है कि टेढ़ा क्यों जाता है, बात समझ में आ रही है, एक की और सुन लो, ये कोने से टेढ़ा हो जाएगा, यहां जाके फिर स्मूथ हो जाएगा पानी, और बीकर के दूसरे एंड पे जाके
ये फिर से क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं होता, बीच में मेनिस्कस फ्लैट होता है, ठीक, यहां तक क्लियर है। मैं उसका आंसर भी दूंगा कि बीच में कई मेनिस्कस चेंज, जैसे वाटर है, पानी कैपिलरी ट्यूब में होता है, तो वो ऐसे मेनिस्कस ड्रॉ करते हैं, आप केमिस्ट्री उसमें लेते भी हैं, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा दो मिनट, बट यहां तक क्लियर है। बीकर काफी बड़ा है यार, ये कैपिलरी ट्यूब नहीं है, ये तो पूरे का पूरा टब है पानी का, तो उसका मेनिस्कस कभी देखे, टब पानी का भरा हुआ है और नीचे को पानी जा रहा है, थोड़ा ना होता है, कैपिलरी ट्यूब में हो सकता है थोड़ा बहुत, इसमें नहीं होता। यहां तक तो क्लियर है। आगे ब्रदर आपको तो ये भी दिखेगा नहीं, आपको तो ये भी पानी कहाँ दिखेगा कि वो टेढ़ा नजर आ रहा है, हाँ ये दिख जाएगा, ये क्या जरूर दिख जाएगी, अगर आप मरकरी डाल दोगे ना टब में बहुत सारी 15-20 लीटर, आपको दिखेगा मरकरी ऊपर से गोल हो जाएगी और कोनों से टच नहीं करेगी, मरकरी तो वैसे भी सॉलिड को टच करना पसंद ही नहीं करती, ये मरकरी तो है ग्रेटर देन 90, मरकरी ऊपर से वेट नहीं करेगी इसको, बीकर को। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू में मैं क्या करूंगा, इन केस नंबर टू व्हेन एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल इज लेस देन एडहेसिव, ठीक। नेक्स्ट केस है कि अब जैसे ये आपका एक सपोज कंटेनर था, ये आपकी एक फोर्स थी, फोर्स ड्यू टू एडहेसिव, एंड ये जो फोर्स थी, फोर्स ड्यू टू कोहेसिव का कंपोनेंट, और एक फोर्स नीचे की तरफ थी, फोर्स ड्यू टू कोहेसिव का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब इसमें इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो सरफेस है, अब इसमें कौन जीत गया, एफ ऑफ एडहेसिव, ठीक है ना, एफ एडहेसिव की जो फोर्स है, मींस बीकर की जो फोर्स है इज ग्रेटर देन पानी की फोर्स, तो उस केस में जो लिक्विड का मैं मेनिस्कस बनाने वाला हूं यहां से एकदम फ्लैट होगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, विच शोज, जो कि ये शो करेगा, जो कि ये शो करेगा दैट एडहेसिव की जो फोर्स है, एडहेसिव की जो फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, कोहेसिव की। इधर खींचोगे, खींचने की जगह तो है नहीं, अब बीकर खींचता रहेगा, पानी को खींचता रहेगा, तो पानी इकट्ठा ही ऊपर ही हो जाएगा ना, तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, समझ आ रही है बात यहां तक, ठीक। देखो ना, मैं अगर और पानी यहां इकट्ठा करूंगा, जगह तो है नहीं, तो पानी का लेवल ही ऊपर राइज होगा, और क्या होगा, तो पानी का लेवल ऊपर राइज हो गया, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूं नीचे की तरफ पानी की सरफेस पे, ये टेंजेंट जो सॉलिड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, एंड इसमें थीटा इज लेस देन, और ये किसका केस है, पानी का केस है, तो पानी के अंदर थीटा इज लेस देन 90, कोई डाउट इसमें, समझ आ रही है बात, क्लियर। देखो ये चीज क्लियर है ना। अब इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं वेटिंग ऑफ सरफेस। अब ये वेटिंग ऑफ सरफेस क्या है, अब जैसे मैंने जो पहला अभी जो केस लिया जिसमें थीटा कितना था, लेस देन 90, और ये बेस्ट केस इसका क्या है, वाटर, मन में वाटर रखना है, वाटर के केस में थीटा इज लेस देन 90, तो इस केस में लिक्विड विल वेट सरफेस, जो आपका लिक्विड है वो आपकी सरफेस को क्या कर देगा, गीला कर देगा, पानी गीला करता है सरफेस को, मरकरी गीला नहीं करती, मरकरी सॉलिड से चिपकने की कोशिश नहीं करती। मैं दोनों केस मैथमेटिकली और डायग्राम से समझाता हूं। तो मान लो कि ये आपका एक केस है कि जब आपने एक लिक्विड ड्रॉप लिया, एक लिक्विड का ड्रॉप लिया जिसका थीटा इज लेस देन 90 है, और आपने क्या किया, उसको ग्राउंड पे गिर दिया,
तो जब आप ग्राउंड में गिरोगे तब वो कुछ ऐसी शेप बनाने की कोशिश करेगा, फैलने की कोशिश करेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप इस केस में ऐसा करोगे तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जो सॉलिड के साथ क्या एंगल बना रहा है, लेस देन 90। वैसे भी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो इसमें सॉलिड कौन हो गया, इसमें तो सॉलिड ग्राउंड हो गया ना, और अगर सॉलिड ग्राउंड हो गया तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो लेस देन 90 रहेगा। और ऐसा कब होगा, जब शेप उसकी कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि वो जितना फैलेगा उसका एंगल लेस देन 90 रहेगा। ठीक, तो जो लिक्विड जमीन पे गिरते फैलते हैं, वेट करते हैं सरफेस को, उनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा छोटा होता है। जो जितना फैलेगा, जो जितना ग्राउंड पे फैल जाएगा उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है यहां तक? और उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं सेकंड केस लूं, एक ड्रॉप लूं जिसका थीटा यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 90, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मरकरी। मरकरी के केस में क्या होगा, आपका ड्रॉप कुछ ऐसे हो जाएगा, एग्जांपल है, जिसमें अगर आप सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, इधर कर लो या उधर कर लो, आपका ये एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90। चेक कर लो, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ग्रेटर देन 90। ऐसा कब होगा, जब लिक्विड कम से कम सरफेस को टच करेगा और हवा में उठने की कोशिश करेगा, तो आपके सामने ही है केस। तो इसमें थीटा इज ग्रेटर देन 90, सरफेस को टच करने, कम करने की कोशिश करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो मरकरी वेट नहीं करती सरफेस को, जिनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ग्रेटर देन 90 है, जितना बड़ा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है उतना ही सरफेस को वो कम वेट करेगा। यहां तक भी क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ आ रहे? अब नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैपिलरी एक्शन। अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन, एक कंटेनर है, इसके अंदर एक ट्यूब है, और प्लीज ये ट्यूब बहुत पतली है, ये चीज याद रहे, ये ट्यूब, ये वेरी स्मॉल ट्यूब। अब इसके अंदर जो आपका, मान लो जो आपका वाटर का जो मेनिस्कस है वो कैसे है, कुछ ऐसा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद रहे ये एक बीकर है, कैपिलरी नहीं है। तो यहां पर सरफेस फ्लैट रहेगा और यहां पर कोनों में ऊपर उठ जाएगा, ये बन गया मेनिस्कस, कोनों में, अभी मैंने एग्जांपल दिया, कोनों में उठ जाएगा और बीच में फ्लैट है। ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज इमेजिन करो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है इस वाटर के नीचे, मतलब ये पानी है, यहां तक तो पानी है ऑब्वियसली, इस पॉइंट का नाम है बी, और एक और पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया सी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ए बी एंड सी। नेक्स्ट, इफ आई राइट प्रेशर की वैल्यू एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट हवा के अंदर है, हवा के अंदर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। अगर मैं पॉइंट नंबर बी की बात करता हूं, बी पॉइंट के अंदर देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो अंदर और बाहर हर जगह लगेगा, लेकिन जो बी पॉइंट है, क्योंकि ऊपर एयर है नीचे पानी है, बी पॉइंट इज इन वॉटर, ऊपर क्या चल रही है, एयर चल रही है, तो एक ही फ्री सरफेस है, और अगर एक फ्री सरफेस है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस टू टी बाय। वो क्यों, आप सोचो बी पॉइंट का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, या उल्टा बोलू एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा ऐसे केस में। ज्यादा क्यों होगा, मेनिस्कस को देखो ना, जो आपका मेनिस्कस है वो नीचे किसे ऊपर की तरफ आ रहा है, आप खुद देखो कि जो आपका बी पॉइंट है, या चलो ऐसे कर लेते हैं, हमने एक्सेस प्रेशर क्या किया था कि अगर एक फ्री सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर क्या आना चाहिए, टू टी बाय आर, हमने ऐसा किया। तो मैं इसमें ये बता रहा हूं कि जो बी पॉइंट का प्रेशर है वो प्रेशर टू टी बाय आर, का मतलब अंदर की तरफ प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है रादर। एटमोस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया कि बी पॉइंट पे भी होगा और ए पॉइंट पे भी होगा, एटमोस्फेयर तो अपना प्रेशर लगाना ही लगाना है। जो हमारा एटमोस्फेयर है वो
देखो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, आप खुद सोचो पानी ऊपर ऊपर हवा में उड़ जाएगा, भाई सोचो अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा, पानी अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर आपके पानी को क्या करेगा, दबाएगा, पानी को दबाएगा, और अगर पानी को दबाएगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, और कितना कम है, बाय 2T/R, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ही क्या होता है, 2T/R या 40/R, अभी बबल तो है नहीं, ये क्या है, पानी का ड्रॉप है, तो डिफरेंस कितना होगा मैग्नीट्यूड में, 2T/R। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। दूसरा, अब सी पॉइंट की बात करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्रेशर ओनली, ऐसा क्यों, ये भी तो पानी में है, ये भी तो पानी में है ना, तो फिर ऐसा क्यों होगा, इसमें तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम है, बी के अंदर जब भी सेम लेवल पे है पानी में, बी के अंदर बोल रहा हूं प्रेशर कम होगा, सी के अंदर प्रेशर सेम होगा, वो क्यों, क्योंकि क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर मेनिस्कस है, और मेनिस्कस का क्या होता है, कोई रेडियस होता है, जो मेनिस्कस बनेगा इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, और जिनका रेडियस है उन्हीं में तो प्रेशर होगा 2T/R, R means मेनिस्कस का रेडियस, तो ये इतना फ्लैट नहीं है, मैंने शायद इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका मेनिस्कस बना हुआ है पर इनका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि तो बीकर है बड़े बड़े, बड़े बड़े बीकर में मेनिस्कस नहीं बनता, कोनों में बनता है, छोटी कैपिलरी ट्यूब में मेनिस्कस बनता है, ठीक हो गया यहां तक, तो मीन्स बी पॉइंट तो रेडियस आर का पार्ट है, ये पॉइंट क्लियर है, जो बी पॉइंट है वो रेडियस आर का पार्ट है, और जो सी पॉइंट है उसके ऊपर कोई मेनिस्कस नहीं है, तो फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस है तो ठीक है, फिर कोई 2T/R कोई 40/R नहीं, सिंपल, इसके ऊपर कोई सरफेस टेंशन नहीं है, कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी तो कोनों में लग रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने क्या लगाना है, सिर्फ पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, ज्यादा क्लियर है, ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है, कि आपने जो प्रेशर लेना है, जो आपकी इसमें प्रेशर की वैल्यू होगी, देखो जो प्रेशर की वैल्यू आपने लेनी है सी पॉइंट पर, देखो प्रेशर्स वहां चेंज होंगे जहां कर्वेचर क्या होगा, चेंज होगा, प्रेशर वहां चेंज होंगे, वो भी क्यों चेंज होंगे, वो इसलिए चेंज होंगे, इमेजिन करो एक मिनट के लिए, अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है, आप ए और बी की सरफेस को जरा ध्यान से देखना, जो बी पॉइंट है उसका सरफेस तो मेनिस्कस तो ऐसे बना हुआ है, थोड़ा और बड़े उस पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऊपर आ जाओ, तो जो बी पॉइंट है उसके ऊपर कर्व कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, अब यहां पर क्या है, यहां पर पानी पानी है, पानी ही पानी है, और हमने ये स्टडी किया कि जो भी प्रेशर यहां पर होगा, जो प्रेशर यहां पर होगा, इमेजिन करो, चलो और अच्छे एग्जांपल से करवाता हूं, इमेजिन करो कि यहां पर क्या है, बेसिकली एक ड्रॉप है, एक बबल है, पानी के अंदर बबल है, ऐसे अपीयर हो रहा है ना कि पानी के ऊपर एक बबल है, बबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर एयर है, ठीक है ना, यहां तक तो इसके अंदर इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर क्या है, P2 है, ठीक है ना, और मैंने कहा था कि यहां का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहां का प्रेशर, तभी तो वो और ऊपर नहीं जाएगा पानी, या जो भी मैंने एक बबल बनाया वो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस केस में P1 - P2 एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, और जो कि इस केस में क्या होगा 2T/R, क्योंकि ये बबल किस में घूम रहा है, ये बबल पानी में घूम रहा है, ठीक लिखा ना, बस फर्क ये है कि इसमें P1 का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर है, P1 का मतलब P ATM, क्योंकि बाहर तो हवा ही है, बबल थोड़ी ना एक्चुअल में, तो समझाने के लिए लिखा है P एटमोस्फेरिक है, तो मैंने बिल्कुल वही चीज यहां पर की है कि अगर आप जरा ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, तो ये एग्जांपल सेम वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी एटमोस्फेरिक प्रेशर -PV = 2T/R, जैसे मर्जी समझ लो, ये बेस्ट एग्जांपल मैंने समझा दिया कि पानी का लेवल एयर प्रेशर लगाएगी ऊपर से, क्योंकि कर्वेचर है, कर्वेचर्स पे अलग अलग प्रेशर लगता है अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जिनका कर्वेचर नहीं है, जैसे अगर कोई फ्लैट सरफेस है, अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो इसका रेडियस क्या है फ्लैट सरफेस का, याद रखना
ऑप्टिक्स में हम करेंगे वैसे प्लस टू में, जो तो लेंस कन्वेक्स या कंकेव होते हैं उनका तो रेडियस होता है, कन्वेक्स कंकेव लेंस समझते हो ना। एक ग्लास होता है जिसको प्लेन ग्लास बोलते हैं, प्लेन आम शीशा, वो तो लेंस नहीं ना, आम शीशे का रेट फ्लैट होता है, कन्वेक्स कंकेव तो है नहीं। आम शीशा जो प्लेन होता है उसका रेडियस हम जीरो ही लेते हैं, उनका रेडियस क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। तो ठीक है फिर अगर इनका रेडियस इन्फिनिटी लेते हैं तो ऐसे रेडियस अगर तो मेनिस्कस का कर्व है तो फिर तो 2t/r या 4t/r लेंगे। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यानी कि प्रेशर की वैल्यू 2t/∞ विल बिकम जीरो, प्रेशर नहीं होगा। इट मीन्स यहां तो क्लियर है, जो फ्लैट सर्फेस है उनका प्रेशर नहीं होगा, सर्फेस की वजह से, एटमोस्फेयर की वजह से तो होगा होगा। तो उस केस में P ऑफ C की वैल्यू भी आ गई, याद है क्लियर है। अभी तो बता रहा हूं, अभी तो बता रहा हूं। अब देखो C पे प्रेशर ज्यादा है, B पे प्रेशर कम है, तो यहां के जितने पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ अपना पानी भेजने की कोशिश करेंगे फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और तब तक चढ़ता जाएगा जब तक सी पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। बी पॉइंट ऊपर 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 जाता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट है, देखो जब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, हाइट अटेन कर रहा है, एच रो जी हाइट अटेन करेगा एच रो जी, और तब तक करता जाएगा जब तक उसका प्रेशर सी के इक्वल नहीं हो जाता। आइडिया क्लियर है? ये पूरा कैपिलरी एक्शन में प्रेशर की हेल्प से समझा रहा हूं, सरफेस टेंशन तो मैंने बस कॉर्नर में जो लगाई थी लगा दी, आपकी असाइनमेंट किसी और तरीके से समझाती है वो भी समझाऊंगा, दो तरीकों से करेंगे। एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं होता कभी भी। पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी अपने ऊपर उड़ना नहीं शुरू करेगा, पानी मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। अब अगर मैं पानी का प्रेशर बी पॉइंट पर ज्यादा कर दूंगा ए से तो पानी ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, समझ आ रहा है। बी पॉइंट देखो ऐसा होता है, फिर समझो अगर ये मेनिस्कस है, ये ट्यूब है, ये बी पॉइंट है जहां वाटर है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर होगा, काम खत्म। बी पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि जब जब सरफेस कर्व होगी कर्वनेस की वजह से प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इस केस में 2t/r क्योंकि एक फ्री सरफेस है, एक फ्री सरफेस समझ रहे हो, पानी और एयर की एक ही सरफेस है, तो कितना कम होगा भाई 2t/r। अब अगर ये कर्व नहीं है सिर्फ फ्लैट पानी है ऐसे है, तो उस केस में ए पॉइंट का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है, बी पॉइंट का प्रेशर भी उस केस में पी एटमोस्फेरिक है, क्योंकि इसका रेडियस नहीं लेना आपने, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा। अब मेरा जो नेक्स्ट केस बनने वाला है वो कुछ क्या बनने वाला है, वो ये बनने वाला है कि सपोज ये आपकी कैपिलरी है और ये आपका कंटेनर है, ये आपका सपोज मेनिस्कस है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लो, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, और सपोज वाटर राइज कर गया तो हाइट ऑफ एच मान लो कर गया, तो आपका वाटर यहां पर आ गया, वाटर का लेवल यहां पर आ गया, एंड अगर वाटर का लेवल यहां पर आ गया तो उस केस में क्या हुआ कि सपोज अब ऐसा करते हैं, ये एक पॉइंट ए वही वाला, ये एक पॉइंट बी, और सी तो वैसे ही रहने दो जो लेना है, पॉइंट तो वही शिफ्ट हो गए, ए पॉइंट नीचे से ऊपर शिफ्ट करवा दिया, बी पॉइंट नीचे से ऊपर शिफ्ट करवा दिया, ठीक है ना, और ये वही पॉइंट है जो आपका सी पॉइंट है। देखो मैं फिर से इक्वेशंस अगर लिखूं, अगर मैं फिर से एक बार इक्वेशंस इसमें लिखूं, और हाँ इसमें याद रखना ये पूरा केस चल रहा है व्हेन थीटा इज लेस देन, पानी के लिए चल रहा है, मरकरी के लिए चल रहा है, मरकरी का केस मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है यहां तक। तो इसमें थीटा इज लेस देन 90, तो पी ऐसे केस बनाते हैं आफ्टर लिक्विड हैज या लिक्विड
या चलो ऐसे कर लेते हैं आफ्टर लिक्विड हैज अटेंड हाइट ऑफ एच. अब केस बना रहे हैं जब लिक्विड ने हाइट एच अटेन कर ली तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जो प्रेशर एट सी है, जो प्रेशर एट सी है वो क्या होना चाहिए प्रेशर एट बी, जो कि इक्वल तो था नहीं. प्रेशर सी और देखो ये सी की पुरानी वैल्यू है, बी की पुरानी वैल्यू है, एंड देवर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं थे. और अगर मैं चाहता हूं कि ये इक्वल हो जाएं तो मेरे को बी प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय एच रो. अब ये इक्वल माने जाएंगे क्योंकि सी का प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी का प्रेशर. ये ना सोचो कि बी का मेनिस्कस ऊपर जाके चेंज थोड़ी ना हो गया, जो बी पॉइंट है वो तो वैसा का वैसा ही है, मेनिस्कस भी पहले नीचे था अब ऊपर है, कोई फर्क नहीं है. फर्क ये है कि बी पॉइंट ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, और कितनी चेंज कर ली, उसने कितनी हाइट अटेन कर ली, एच हाइट अटेन कर ली. तो अगर मान लो पहले सी का प्रेशर 10 था, पहले बी पॉइंट नीचे था, यहां का प्रेशर 8 था, तो अब 10 इज इक्वल टू 8 तो हो नहीं सकता. तो बी पॉइंट ने अपनी हाइट अटेन कर ली, हाइट की वजह से प्रेशर कितना अटेन कर लिया, तो अब बराबर हो गए ये दोनों. यानी कि एच रो जी फैक्टर लाना पड़ा मेरे को इनको बराबर करने के लिए. समझ आ रहा है पिक्चर, ठीक है ना? यहां तक बोलो. मैंने कहा पहले मैं सपोज आप सी पॉइंट हो, आप कुर्सी पे बैठो, आपके जो इस केस में हम क्या करेंगे, पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस एच रो जी. मैं फिर से एक बार लिखता हूं, पी ऑफ सी पी ऑफ बी प्लस एच इंटू रो इंटू जी. एंड अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, पी सी की वैल्यू क्या थी, पी एटमोस्फेरिक, पिछली इक्वेशन से याद करो सी तो हमेशा पी एटमोस्फेरिक पे है. पी बी की वैल्यू क्या थी, पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाय आर प्लस एच रो जी. पीबी और पीसी की वैल्यूज पुट कर दी, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया, एच इज इक्वल टू टू टी बाय आर रो जी. तो मेरे पास हाइट अटेन की वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई हाइट अटेन की वैल्यू, टू टी अपॉन आर रो जी. कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है. लेकिन इसमें कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इट मींस यहां पर कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल आर मींस रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कितना वो कर्व था. मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं कैसे. सपोज ये वही आपके पास एक लिक्विड है, ये रहा कैपिलरी है, इसमें मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये मेरी एक कैपिलरी ट्यूब है और वाटर का लेवल तो ऊपर उठ ही चुका है, ये पानी 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 वाटर है, वाटर का ऊपर जाके मेनिस्कस क्या हो गया, ये मेनिस्कस हो गया वाटर का, पानी का मेनिस्कस हमेशा इस तरीके का होता है, ये मेनिस्कस हो गया. एंड अगर मैं इस मेनिस्कस को इमेजिन करूं कि मैं इसका एक पूरा सर्कल बना रहा हूं, बना दिया, तो ये जो सर्कल है इसका कोई रेडियस होगा कैपिटल आर, जो हम बार बार आर आर बोल रहे हैं वो किसका रेडियस है, मेनिस्कस का. तो मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर है, उसका सेंटर कहीं ऊपर होगा, ठीक. और जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस मान लो कितना है, वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना? फाइनली अगर मैंने ज्वाइन कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं यहां से यहां तक, तो ये एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा, यही होता है ना एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. और ये पानी है तो पानी के केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा इज लेस देन 90, सही बनाया. फाइनली अगर ये थीटा है, ये और ये परपेंडिकुलर है,
तो बोलो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला अंदर वाला एंगल भी क्या हो गया थीटा, ठीक है ना, थीटा 90 माइनस थीटा एंड अगेन थीटा, कोई डाउट इसमें, सीधा लगा सकते हो, कोई बात नहीं एंगल थीटा होगा, नहीं तो वैसे ज्योमेट्री बताई रही है थीटा फिर अगला 90 माइनस थीटा और फिर थीटा, ठीक है यहां तक। और इसके अंदर अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है यहां तक। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई और हमने जो अभी हाइट निकाली थी उसकी वैल्यू क्या थी, 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू रो इंटू जी, तो आप इस कैपिटल आर को उठा के यहां पुट कर दो, तो 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी, तो आंसर आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, हाइट ऑफ लिक्विड अटेन्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब, फॉर्मूला आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, इसको कैपिलरी हाइट बोलते हैं, याद है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है केस नंबर 2, अभी हम लिक्विड क्या ले रहे हैं, वाटर। अब एक काम करते हैं, केस नंबर 2 जब हम लिक्विड क्या लेंगे, मरकरी, मरकरी के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये आपका कंटेनर है, अगेन ये आपकी एक कैपिलरी ट्यूब है, ये आपका मेनिस्कस है, कोनों से मेनिस्कस ऊपर बनाना और फिर नीचे, फिर ऊपर बनाना फ्लैट नीचे, मरकरी कैसा होगा, और इसके अंदर मेनिस्कस बिल्कुल राउंड होगा, अंदर का मेनिस्कस बड़ा होता है इसका, जितनी छोटी ट्यूब होगी मेनिस्कस उतना ही बड़ा बन जाएगा, कर्वनेस उतनी ज्यादा आ जाएगा, ठीक। अगेन एक पॉइंट हवा में ए, एक पॉइंट पानी में बी और एक पॉइंट सी, सबसे पहले जो आपका ए पॉइंट है, प्रेशर एट ए पॉइंट, पी एटमोस्फेयर, वही सेम रूल है जो भी लगाया था हमने, पी एटमोस्फेयर। नेक्स्ट प्रेशर एट सी पॉइंट इज अगेन पी एटमोस्फेयरिक, क्योंकि इसके ऊपर फ्लैट सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, पी एटमोस्फेयरिक, कर्व तो है नहीं, लेकिन अगर प्रेशर एट बी पॉइंट लिया जाए तो P एटमोस्फेरिक उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, 2T बाय R प्लस हो गया। अब इसमें अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, देखो बड़ा एक सिंपल सा सॉल्यूशन, या आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सपोज करो एक फ्लैट सरफेस है, किसी भी से प्लास्टिक की सरफेस है, कुछ भी मान लो, ठीक, अगर हम क्या करें, यहां से प्रेशर लगाना शुरू कर दें, यहां से, ठीक, यहां से कम, फिर यहां ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा, कम कम एंड कम, तो सरफेस कैसी हो जाएगी, मान लो ये एंड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एंड्स हैं, सरफेस क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना। और अगर सपोज करो ये वही सरफेस है,
ये फिक्स्ड एंड्स हैं। अगर आप प्रेशर इस तरफ लगाना शुरू कर दो ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उल्टा क्वेश्चन पूछो, अगर सरफेस ऐसी है तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां इंक्रीज है, यहां पर ठीक है ना यार, पानी की सरफेस ऐसी नहीं होती, अंदर प्रेशर कम है बाहर प्रेशर ज्यादा है। और अगर सरफेस रिवर्स है, ऐसी है जैसे मरकरी की सरफेस है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा आ रहा है और बाहर का प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस है, तो इट मींस मैंने बिल्कुल सही लिखा जो भी मैं लिख रहा था कि बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2T/r, एक फ्री सरफेस है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? एक्चुअल में मेनिस्कस चेंज भी तो इसलिए होते हैं ना, मेनिस्कस चेंज होने का क्या रीजन है, फोर्स ऑफ एडहेशन एंड कोहेशन तो है ही है, लेकिन फोर्सेस का मतलब प्रेशर से भी रिलेटेड है। एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस हो जाता है एटमोस्फेयर का और अंदर का, तो कोई कभी अंदर का ज्यादा हो जाता है, कभी बाहर का ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम ये क्लोज एंड क्लोज सरफेस ही ले रहे हैं, क्लोज सरफेस के अंदर तो हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा पी इनसाइड। एक खुली सरफेस है, खुली सरफेस फ्लैट सरफेस या तो ऐसी हो जाएगी, फ्लैट सरफेस या तो ऐसी हो जाएगी, डिपेंडिंग कि ऊपर का प्रेशर ज्यादा है या फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा। ठीक हो गया? अब उल्टा हो गया, बी पॉइंट के पार्टिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सी, तो बी का सारा पानी किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? सी की तरफ। लेवल ऊपर उठने की बजाय लेवल नीचे गिर जाएगा, इसीलिए मरकरी को जब डालोगे ट्यूब में तो लेवल उठेगा नहीं, लेवल गिरेगा। मरकरी उठ उठ के बाहर कंटेनर से निकल बीकर के अंदर आ जाएगी, ट्यूब के अंदर नहीं रहेगी, ट्यूब से भागेगी। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो मरकरी के केस में ये केस होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक और डायग्राम अगर हम इसका बनाएं, तो सपोज ये आपका बीकर है, ये सपोज एक आपकी कैपिलरी है, दिस इज कैपिलरी, दिस इज मेनिस्कस, और ये आपका कुछ ऐसा मेनिस्कस है जो लेट से डाउन आ गया, मान लो नीचे आ गया ये, और मेनिस्कस नीचे आने का मतलब ये कितना नीचे आ गया, लेट से ये डी डिस्टेंस नीचे आ गया, मान लो ये डी डिस्टेंस नीचे आ गया, मतलब अभी इसका नया पॉइंट आ गया, पहले मान लो ये मेनिस्कस ऊपर था, अभी मेनिस्कस मान लो नीचे आ गया। जब ऐसा कर लो, जो पुराना डायग्राम था ना उसमें मैंने साथ की साथ बना दिया था, ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, अब ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस लेवल पे मेनिस्कस को रखूंगा तो मेनिस्कस नीचे गिर जाएगा, और जब नीचे गिरा तो लेट से यहां पर आ गया। ठीक हो गया? और कहां पर आ गया? लेट से कि डी डिस्टेंस नीचे गिर गया, अगर ये हाइट है तो मेनिस्कस डी डिस्टेंस नीचे गिर गया या एच डिस्टेंस नीचे गिर गया, और कहां पर आ गया? एट ए डिस्टेंस ऑफ डी पे आ गया। ठीक है यहां तक? और वही कोई भी इमेजिनरी पॉइंट बी ले लो, कोई भी पॉइंट यहां पर सी ले लो, उसे कोई फर्क नहीं। अब पहले क्या था? पहले कुछ ऐसा था, अगर मैं पुराना डायग्राम लूं और पुराने डायग्राम में अगर मैं कोई डी पॉइंट यहां पे लूं, तो पहले बी का प्रेशर, मान लो ये बी पॉइंट था, पहले क्या केस था कि बी का प्रेशर ज्यादा था, डी का प्रेशर कम था, और पानी बी से कहां मूव करना शुरू कर देगा? टी डी, और डी पार्टिकल बीकर में थोड़ा सा कहां हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, मेनिस्कस नीचे गिरेगा, डी पार्टिकल ऊपर उठ गया, कितना ऊपर उठ गया? बाय डिस्टेंस ऑफ डी, पानी नीचे कितना गिर गया? बाय डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, बीकर में डी पॉइंट कितना ऊपर उठ गया? एच, और मरकरी ट्यूब में कितना गिर गई? बाय डिस्टेंस ऑफ एच, एक ही बात है, जितना नीचे वो गिरेगी उतना ही डी पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, एक ही बात है। समझ आ रही है बात? तो इट मींस कि इस डायग्राम में जो अभी हम डायग्राम ले रहे थे, इसमें अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो पुराना बी पॉइंट था वो बाय डिस्टेंस ऑफ अगर एच गिर गया तो डी पॉइंट ऊपर उठ जाएगा बाय डिस्टेंस ऑफ, ठीक, सिर्फ इमेजिन करो, मतलब देखो ना, एक चीज ट्यूब में नीचे गिर रही है तो दूसरी चीज ट्यूब में ऊपर उठ रही है, उठेगी बाय सेम हाइट एच, और तब तक उठती जाएगी। पहले क्या था? अंदर का प्रेशर ज्यादा था, डी पॉइंट का प्रेशर कम था, अब क्या होगा? तब तक ये लेवल चेंज होता जाएगा जब तक दोनों पॉइंट्स के प्रेशर सेम नहीं हो जाते। तो इसका मतलब कि प्रेशर एट
डी पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एटमोस्फेरिक, तो पहले भी था ही था इसमें, अब नया प्रेशर डी पॉइंट का क्या हो गया, एच रो जी, डी पॉइंट ऊपर हवा में उड़ गया ना, और अगर डी पॉइंट ऊपर उड़ गया तो उसका प्रेशर इज इंक्रीज बाय एच रो जी, अदरवाइज तो डी पॉइंट का प्रेशर क्या था, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर, डी पॉइंट के ऊपर तो खाली फ्लैट सरफेस है ना, तो एटमोस्फेरिक था, लेकिन डी पॉइंट का प्रेशर बढ़ाना पड़ा, और कितना बढ़ाना पड़ा पाए, एच रो जी, बढ़ा के करना किसके इक्वल है ये तो बताओ, करना किसके इक्वल है, बी के, बोलो इसकी, इसकी नहीं, बी पॉइंट कुछ वैसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी हमें हाइट चाहिए नहीं, एक्चुअल में इसकी आपको हाइट चाहिएगी बस, मैं कभी कहता हूं इसकी हाइट एरिया ज्यादा है तो ठीक कह रहा है, हाइट सेम नहीं होगी, बट प्रेशर्स का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं शायद गलत बोल गया कि अगर हाइट ट्यूब के अंदर हाइट एच है तो बीकर की हाइट भी एच है, ये मैंने गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं कि एरिया भी चेंज होगा, ठीक बोल रहा है वो, एक का एरिया ज्यादा एक का एरिया कम है तो हाइट सेम नहीं होगी, बट ये तो क्लियर है कि डी पॉइंट की हाइट तो पक्का इंक्रीज होगी ही होगी, अब ठीक है, और तब तक इंक्रीज होगी जब तक प्रेशर किसके इक्वल नहीं हो जाता बी पॉइंट का, तो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी इज इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर था कितना पहले, पी एटमोस्फेरिक प्लस, टूटी भाई चेक कर लो पिछली साइड में यही था, मैं ये डिस्कस किया था ना कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, कैंसल कैंसल, और यहां से एच की वैल्यू वही आ गई जो अभी आपने पिछले एक्सप्रेशन में निकाली थी, और वही कैपिटल आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल आर हमने पिछले इक्वेशन में निकाला था आर अपॉन कॉस थीटा, तो कैपिटल आर की जगह पुट करो टू टी कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है आता पता, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चक्कर नहीं, बस एक्सप्लेनेशन है कि ए की हाइट इंक्रीज होगी तो ए की हाइट डिक्रीज होगी, एक तरीका है जिससे कि ये असेंट फॉर्मूला है, असेंट फॉर्मूला का मतलब कि वाटर का लेवल कितना चेंज हो रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ असेंट फॉर्मूला, ठीक, अब इसमें अब असाइनमेंट पे आ जाओ, पेपर में जो मर्जी कर देना, ऐसे करोगे तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो आपकी बुक्स हैं वो ऐसे करती हैं जो हम करने जा रहे हैं, मेरे को थोड़ा पसंद नहीं है तरीका, बट बुरा भी नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, ये फोर्सेस से करेगा, टेंशन से करेगा, सरफेस टेंशन को बीच में लेके आएगा, टी की वैल्यू से करेगा, किया तो हमने भी टी की वैल्यू से, बट हमने कॉन्सेप्ट एकदम टोटली डिफरेंट लगाया, हमने तो फोर्सेस एडहेजन और कोएडहेजन का कॉन्सेप्ट लगाया था, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा अस्यूम करते हैं कि सपोज करो वाटर का केस है, ये वाटर का मेनिस्कस है, ट्यूब को आपने पानी में डाला और पानी हाइट अटेन कर गया, कितनी हाइट अटेन कर गया, सपोज एच हाइट अटेन कर गया, तो एच हाइट अटेन हो गई, ठीक हो गया, और हाइट लेनी कहां से होती है, अगर ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये कंटेनर है, तो आपकी हाइट लोअर मेनिस्कस से होती है, मान लो आपकी ट्यूब यहां से लेके यहां तक है, तो आपने हाइट लेनी कहां से है, आपने हाइट लोअर पॉइंट से लेनी होती है, यहां से ही लेनी है, आपने हाइट यहां से लेनी है, ठीक हो गया, यहां तक मेनिस्कस के लोअर एंड से हाइट मेजर की जाती है, तो लेट से वाटर ने एच हाइट अटेन कर ली, आगे अब इसमें मान लो ये आपकी कैपिलरी है, ये कंटेनर है,
ये मनिस्कस है, यहां वॉटर ही वॉटर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें इस पॉइंट पर हमने अभी बहुत देर पहले एक डायग्राम बनाया था जो हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ रहे थे। इस पॉइंट पर एक याद है वर्टिकल फोर्स थी, एक याद है यहां की तरफ फोर्स थी, एक याद है ये वाली फोर्स थी एफसी कोहेजन वाली, ठीक है ना याद है। अब क्या होगा इसमें कि ये फोर्स अगर पार्टिकल के ऊपर ये वाली फोर्स है भी तो ये पानी को ऊपर तो चढ़ा नहीं सकती, ठीक बोल रहा हूं ना, पानी को ऊपर तो चढ़ा नहीं सकती। ये फोर्स क्या कर रही है, वॉटर ये कहां पर लग रही है, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर लग रही है। अगर ये सरफेस के ऊपर लग रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पानी उसे चिपक जाएगा साथ 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 साथ। ये जो फोर्स है ये फोर्स टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, और सरफेस टेंशन भी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। तो आपकी बुक्स में कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है कि सपोज अगर ये एक कैपिलरी है और इस कैपिलरी में ये मेनिस्कस है, इस पॉइंट पर यू ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंशन है, जिस तरफ सरफेस टेंशन है उस तरफ सरफेस टेंशन की फोर्स है, जिस तरफ टेंशन है उस तरफ सरफेस टेंशन की फोर्स है। अब यहां का जो पार्टिकल होगा उसको उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, कैसे फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि इसमें कोहेजन की जो फोर्स है वो कम है और एडहेजन की फोर्स ज्यादा है, हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ ऐसी फोर्सेस ज्यादा है। तो मान लो इसने आपके असाइनमेंट में क्या किया, ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट ले ली, कह रहा है कि बाकी फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, बाकी कंपोनेंट कंपोनेंट कुछ नहीं है, एक ही फोर्स है जो टेंजेंशियल है और कुछ मत देखो, और क्योंकि वाटर अपने इक्विलिब्रियम पे आ चुका है तो उस केस में क्या हुआ कि एक सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो किसी भी ग्लास की या बीकर के या इस कैपिलरी ट्यूब के पार्टिकल के ऊपर लग रही है, तो ड्यू टू रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो यहां पर अगर टी है तो यहां पर भी टी है, हालांकि इसने टी रिप्रेजेंट किया सरफेस टेंशन, जबकि होना चाहिए था सरफेस टेंशन की फोर्स, बट वन एंड द सेम थिंग, जहां टी होगा वहीं उस तरफ क्या होगी, फोर्स भी होगी। तो बेसिकली इसने क्या किया कि इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाहता हूं कि पानी के पार्टिकल को कौन खींचेगा, आपका कैपिलरी ट्यूब खींचेगी। ये सारी गेम किसकी है, ये सारी गेम तो फोर्सेस की है ना, तो अगर ये सारी गेम फोर्सेस की है, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं कि अगर पार्टिकल्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपना एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जो कि एकदम इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, जिस वजह से यहां टी है तो यहां पर भी टी है, और क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट टी है तो मैं बाय वर्टिकली ऑपोजिट ये टी हो गया, यहां पर एक कॉम्पोनेंट टेंशन का टी कॉस थीटा हो गया और एक फोर्स यहां पर होगी टी साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पर टी है और इस तरफ टी कॉस थीटा है, ये थीटा है और ये टी साइन थीटा है, और एक्चुअल में तो ये सरफेस गोल होगी, मींस पानी का जो जो सर्कमफ्रेंस है वो तो 2πr होगा, हर 2πr कंपोनेंट पे इस पूरे 2πr के कंपोनेंट पे टी कॉस थीटा हमेशा ऊपर 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 और ऊपर एक्ट करेगी, हर पार्टिकल पे टी कॉस थीटा टी साइन थीटा एक्ट करेगी, हर पार्टिकल पे टी साइन थीटा दीवार पे लग रही है तो वो तो पानी को ऊपर नीचे कर नहीं पाएगी, और टी कॉस थीटा हमेशा सर्कमफ्रेंस के कहां लग रही है, ऊपर लग रही है। तो टी कॉस थीटा को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी, फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन कितनी है, टी कॉस थीटा, और कितनी लेंथ के ऊपर लग रही है, 2πr। तो इतनी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पानी को कहां लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, और पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, तब तक ऊपर चढ़ता जाएगा जब तक जितनी ये फोर्स है, मान लो ये फोर्स 80 न्यूटन है, तो पानी भी कैपिलरी ट्यूब में कितना वेट अटेन कर लेगा, 80 न्यूटन, और जब 80 न्यूटन अटेन कर लेगा तो पानी ऊपर चढ़ना बंद कर देगा। तो अब इसके अंदर ये फोर्स ऊपर लेके जा रही है आपके इस वॉटर को, जो कि आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ, चेक कर लो कि ये रहा 2πr into t cos थीटा, फोर्स से वाटर ऊपर जा रहा है। अब जब वाटर ऊपर जा रहा है, अब कितना पानी ऊपर गया ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैपिलरी है और इस कैपिलरी में ये
एक मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है, कुछ ऐसे कर लेते हैं, आपको लिक्विड ये कैलकुलेट करना है यहां से लेके यहां से लेके ये वाला, मान लो यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब आपको निकालना क्या है कि आपका जो वॉटर है, आपका जो वॉटर है इतना इतनी हाइट अटेन कर गया, कितनी हाइट, एच हाइट अटेन कर गया। मान लो इसका जो वेट है, जो पानी का कैपिलरी में वेट आ गया, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर। तो ये फोर्स थी जो किसने लगाई, सरफेस टेंशन ने लगाई, सरफेस टेंशन ने जो ये फोर्स लगाई, इसमें ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट, व्हाट हाइट, एच, एच हाइट के अंदर जितना भी पानी का वेट होगा वो इसको बैलेंस करना चाहिए। अब एच हाइट में कितना पानी है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मान लो आपने ये एक सर्कल बना लिया, ठीक, इसका कैपिलरी का जो रेडियस है वो छोटा आर है, तो याद रहे कैपिलरी बहुत पतली होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो मेनिस्कस है इसका रेडियस भी स्मॉल आर ही होता है, अप्रोक्सीमेटली इसका रेडियस भी बहुत छोटा बनता है, अप्रोक्सीमेटली इसको भी हम स्मॉल आर लेते हैं। तो आर एंड आर, मैं वाटर का क्या निकालना चाहता हूं, वेट, वेट का मतलब वी रो जी, वेट का मतलब हमेशा वी रो जी होता है। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का जो वाटर है ये मैं शेड कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, बस मुझे इसका वेट निकालना है पानी का। इसका वेट कैसे निकलेगा, पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर हेमिस्फीयर बन रहा है, पूरे यहां से लेके यहां से लेके यहां तक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बोलो, पाए आर स्क्वायर इनटू आर प्लस एच, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, आर प्लस एच, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हाइट है और ये वाली हाइट कितनी ले रहा हूं मैं, एच, तो आर प्लस एच हाइट हो गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, माइनस व्हाट, मेरे को इसमें से क्या माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू बाई थ्री इंटू पाए आर क्यू। तो मेरे पास वॉल्यूम की जगह मैं पुट करूंगा पाए आर स्क्वायर आर प्लस एच माइनस टू बाई थ्री पाए आर क्यूब इंटू रो इंटू, ये वेट आ गया, क्लियर है यहां तक, और आपकी बुक्स में यही किया हुआ है। ये देखो एक टू वो तो मैंने निकाल ही दिया, वेट ऑफ लिक्विड निकाल रहा हूं, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू डेंसिटी इंटू, समझ आया है, वीरोजी लगा दिया यहाँ पे। वैसे मैंने आपको बताया ये मेथड मेरे को पसंद नहीं, वो मेथड ज्यादा बेटर था, उसमें काफी ज्यादा एकदम बहुत छोटा था और एकदम क्लियर हो जाता था उसमें, पर कोई बात नहीं, एनी केस जो आपकी बुक्स और टीचर करवाएंगे आप वैसे ही कर देना। तो इसमें जब आपने इसको सॉल्व किया, ये ओपन कर लेना प्लीज, ये ओपन कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको माइनस करना, आपके पास ये आ जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया ये क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर, वाटर क्यूब के अंदर, और 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू आ गई। कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी होती है, मेनिस्कस बहुत छोटा होता है, तो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, मींस इतना छोटा है कि एज कम्पेयर टू हाइट, एज कम्पेयर टू हाइट, हाइट ज्यादा अटेन कर लेता है पानी और रेडियस उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए आर को निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट किया तो आपके पास टी की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच की वही वैल्यू आ गई जो हमने प्रेशर से निकाल ली थी, प्रेशर वाला ज्यादा अच्छा था, दो लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक जिसे मर्जी कर देना दोनों मेथड से, वो ज्यादा अच्छा मेथड है वैसे, ठीक है ना। बट फोर्सेस भी पता होनी चाहिए कि टी कॉस थीटा इंटू टू पाई आर से भी किया जा सकता है, इसको असेंट फॉर्मूला बोलते हैं। जिन लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 है, कॉस थीटा की वैल्यू उनके लिए पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव है, जिनके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 है, कॉस थीटा उनके लिए नेगेटिव है, हाइट उनके लिए नेगेटिव है, नेगेटिव हाइट का मतलब उनका लेवल डिक्रीज होगा, हाइट पॉजिटिव का मतलब उनका लेवल इंक्रीज होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना यहां तक। तो ये आपने प्रूव करना है। जो लास्ट है वो है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपकी कैपिलरी है,
कंटेनर है, वाटर है, तो जो वाटर है आप क्या कर रहे हो, इस वाटर को राइज हो गया, पानी राइज हो गया, ये मैंने इसका सटेन हो गया, पानी राइज हो गया बाय हाइट ऑफ एच। पानी को राइज करना था 10 सेंटीमीटर तक, तो ट्यूब की हाइट 10 सेंटीमीटर से तो बड़ी लोगे तभी पानी राइज करवा के देखोगे। मान लो ट्यूब 8 सेंटीमीटर की थी, पानी को राइज करना था 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, फुहारा चलेगा, फाउंटेन। तो ये होता है ना, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बट आपने लिखना नहीं है बाहर निकलेगा। बाहर वो इसलिए निकलेगा क्योंकि आप इक्विलिब्रियम खराब करोगे उसका, वैसे बाहर निकलेगा। पानी जो है वो सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना शुरू कर देगा और एक बहुत बड़ा पानी का ड्रॉप बना लेगा। आपने ये नहीं कहना कि पानी नीचे गिर गया, पानी नीचे अपने आप नहीं गिरेगा, पानी कभी नीचे नहीं गिरेगा। आप कहोगे कि सर ऐसे तो हाइट अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे पाइप की या कैपिलरी ट्यूब की और पानी को राइज करना 20 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर पानी हवा में कैसे टिकेगा, इतना सिंपल है ना, इतना बड़ा क्या स्फीयर हवा में टिक जाएगा। हाँ टिकेगा, अगर आप बिल्कुल इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करोगे वो टिकेगा, कॉपी पेंसिल है तो टिकेगा, प्रैक्टिकल करोगे तो कभी नहीं टिकेगा। आप कहोगे कि ऐसे कैसे टिक जाएगा, उसका वेट जो होगा उसको नीचे गिर नहीं देगा। जब एक अगर एक बहुत बड़ा स्फीयर इकट्ठा हो भी गया, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्टली कैपिलरी के सेंटर में होगा, नीचे कैसे गिरेगा, बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, नहीं गिरेगा। हाँ वैसे प्रैक्टिकली कंपेयर मत करो, प्रैक्टिकली नीचे गिर जाएगा, पर आपने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो, आपने कोई न्यूमेरिकल करना हो, अपनी थ्योरी नहीं लगानी कि वो तो नीचे गिर जाएगा, अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो नहीं गिरेगा, आपने उसको क्या करना है, वो उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो अब अगर सपोज करो ये कंटेनर है, ये आपकी कैपिलरी है, और सपोज जो वाटर है, ये कैपिलरी है, तो जो वाटर है लेट से उसको इतना स्पेस नहीं मिला, ट्यूब की लेंथ काफी छोटी थी, तो मैंने क्या बताया, जो वाटर है वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और एक ड्रॉप बना लेगा, सपोज एक ड्रॉप बना लेगा। अब वाटर जो है जो ड्रॉप बना गया उसका रेडियस कितना था, आर, बड़ा आर, बड़ा आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप, पानी का ड्रॉप इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये पानी पानी है, ये वाटर 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 वाटर, इसके अंदर भी ये पानी है, ऐसे इकट्ठा हो गया, कर पा रहे उस चीज को। और जो कैपिलरी है, और जो कैपिलरी है उसका रेडियस वही है स्मॉल, और ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एंगल याद है, अभी वो टेंजेंट ड्रॉ किया था थीटा, तो ये बीच वाला एंगल भी क्या था, थीटा, और वही रिलेशन है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है याद है, या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। वैसे अगर ट्यूब सफिशियंट लेंथ की होती तो हाइट क्या होती, 2t cos theta upon r rho g, ऐसे था ना फॉर्मूला, 2t cos theta upon r rho g। लेकिन small, क्योंकि अब कैपिलरी सफिशिएंट लेंथ की तो है नहीं, तो स्मॉल r को हम पुट कर देंगे कैपिटल r की टर्म में, वेयर कैपिटल r का मतलब क्या है, वेयर कैपिटल r का मतलब है रेडियस ऑफ अ बिग ड्रॉप, तो यहां से कैंसल, आंसर आ गया 2t upon r rho G, जो कि आपके असाइनमेंट में किया हुआ है, ये रहा कैंसल 2t r rho g, h into r को एक तरफ, बाकी टर्म्स कांस्टेंट, तो फॉर अ गिवन लिक्विड रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और फॉर अ गिवन लिक्विड का मतलब अगर एक्सपेरिमेंट पानी के ऊपर हो रहा है तो पानी की सरफेस टेंशन कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, तो t मींस कांस्टेंट, तो राइट टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट, यानी कि h into r का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर आप कैपिलरी की लेंथ बड़ी रखते हो तो ड्रॉप का रेडियस छोटा होगा, कैपिटल आर का मतलब जो पानी इकट्ठा हुआ उसका रेडियस, तो वो कम रेडियस का होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर आप हाइट कम रखते हो तो रेडियस उतना ही, ड्रॉप का बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर ट्यूब की लेंथ इनसफिशियंट है तो क्या होगा, यह आपने बताना है, ठीक है यहां तक। सरफेस टेंशन डिक्रीज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर,
याद रख लेना सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर वाला जो सारा इसकी मेरे पास वो है, आपके पास पेन ड्राइव होंगी ना, तो मैं इसको स्कैन करके रखूंगा बाहर, अपने पेन ड्राइव में ले जाना इसे देखने के लिए, ठीक है ना। टू नैरो बोल्स ऑफ डायमीटर 3 mm एंड 6 mm आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ यू शेप्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। इफ यू ट्यूब कंटेन्स वाटर, व्हाट इज डिफरेंस इन लेवल्स इन टू लिम्स ऑफ द ट्यूब। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि जीरो लेना है। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि कहते हैं एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब है, एक ट्यूब का रेडियस आर वन है, एक ट्यूब का रेडियस आर टू है, अलग अलग रेडियस है। पानी ऊपर से डालना नहीं है यूट्यूब में, इनको बस पानी की सरफेस में डाल देना है। पानी अपने आप एक यूट्यूब की तरह एक्ट करेंगी, पानी अपने आप ही राइज होना शुरू हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन। एक में राइज होगा बाय हाइट ऑफ एच वन, तो दूसरे में लेट से एच टू, तो एच वन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर वन रो जी, और एच टू की वैल्यू टू टी कॉस थीटा आर टू रोची। थीटा की वैल्यू इसमें जीरो लेनी है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो लेने, फर्क क्या है सिर्फ रेडियस में, एक में आर वन एक में आर टू। तो हाइट्स निकाल लेना, और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ हाइट। डिफरेंस ऑफ हाइट के लिए क्या करोगे, एच वन माइनस, कोई डाउट इसमें?
समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर है? पुट कर लोगे ना सारी? पानी की डेंसिटी दोनों में सेम है, टेंशन दोनों में सेम है, लिक्विड तो सेम ही है, तो कॉस थीटा दोनों में वन है। ये करना, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस गिवन? क्या गिवन है? बबल के केस में सही है? क्या निकालना है? प्रेशर इनसाइड, एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन है? सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही नहीं है, टूटी। ठीक है, देखो बबल किस में पड़ा हुआ है? जो आपका बबल है वो किस में पड़ा हुआ है? एयर में नहीं है ना, वाटर में है। तो इसलिए वैसे तो बबल के केस में ये फॉर्मूला होता है 4T/R, क्योंकि दो फ्री सरफेस हैं, लेकिन इस केस में दो फ्री सरफेस हैं नहीं ना, इसमें एक फ्री सरफेस है। तो यहां यानी कि आंसर क्या आएगा? 2T/R। तो प्रेशर इनसाइड कर लोगे सॉल्व, बाकी बस मैं एक ही पॉइंट समझने वाला है। कोई डाउट है इसमें? समझ आ रहा है सबको? हर वन क्लियर है? तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा? P0 + 2T/R।